सुनो, कर्म के आधार पर बुरा मत मानना कोई, पुरुष की बात बाद में करूंगा। एक माता की दिन में कितनी जाति बदलनी चाहिए बताओ? बच्चे के मलमूत्र से परहेज करेगी माँ तो माँ कही जाएगी, नहीं ना। एक स्त्री को ले लीजिए, पतिव्रता है, सती है, साध्वी है, पुत्र वत्सला है। एक स्त्री की जाति कर्म के आधार पर एक दिन में कितनी बदलेगी, समझ गए? रसोई एक स्त्री, अच्छा एक पुरुष की बात ले लीजिए, कर्म के आधार पर एक पुरुष की एक दिन में कितनी जाति बदलेगी, तो ब्राह्मण कुल कोई बचेगा क्या? एक दिन में जब 10 जाति बदल जाती है कर्म के आधार पर, क्या कर्म के आधार पर एक दिन में 10 प्रकार की जाति बदल जाती है तो ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, शूद्र कुल कैसे चलेगा? कुलीनता तो लुप्त हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, किस कर्म में कोई आजकल गलत पढ़ाया जाता है समाज शास्त्र में, अधिकार की सीमा में जो कार्य होता है उसका नाम कर्तव्य होता है, दायित्व, यानी जो जिस प्रकार का काम कर ले उसके आधार पर, कर्म के आधार पर अधिकार चलता है या अधिकार के आधार पर कर्म चलता है? अभी बात समझ में नहीं आई होगी। ट्रैफिक मैन वहाँ अधिकृत है हाथ दिखाने, अधिकृत है तब वो हाथ दिखाता है, तो नहीं तो विक्षिप्त गिना जाएगा, समझ गए? अधिकृत है व्यक्ति सामने क्या हेडिंग करने में, तब वो अधिकृत माना जाएगा, नहीं तो फिर डाकू या कुछ और माना जाएगा, राजक माना जाएगा, समझ गए? यहाँ तक कि 25 न्यायाधीश हैं, जिस केस में जो न्यायाधीश नियुक्त है और अपनी गद्दी पर बैठ कर जब वो न्याय देगा तब वो न्याय माना जाएगा। इसी प्रकार से हमने संकेत किया पूर्व कर्म, समझ गए? पूर्व कर्म जब फल देने के लिए उदित होता है उस कर्म के अनुसार जाति का निर्णय होता है। जाति का अर्थ होता है जन्म, पूर्व कर्मानुसार जो जन्म हो गया ना उसी का नाम है जाति। अब सोने में सुगंध क्या है, जिस जाति में जन्म हुआ हो उस जाति के अनुकूल कर्म करता हो तब क्या हो गया, सोने में सुगंध। अच्छा गाय, अरे मनुष्यों की बात छोड़ दो, गाय को आप जन्म से गाय मानोगे या कर्म से? यही बहुत बढ़िया बात। शेर को आप जन्म से शेर मानोगे, शेर अगर खूंखार भी ना हो तो उसको शेर मानोगे या नहीं? अच्छा बंदर को, हमें गधा क्यों कहूँ, गधा को, इन सबको तो आप वृक्ष को कब मानोगे, वृक्ष आप जन्म से मानते हैं। तो हमारे यहाँ देखो एडजेक्टिव विशेषण भी और विशेष दोनों मिल जाए तो एक नंबर का ब्राह्मण, ब्राह्मण कहाँ से बोल रहा हूँ, शिवपुरा, ब्राह्मण ब्राह्मण एडजेक्टिव विशेषण भी ब्राह्मण और विशेष भी ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मण विशेष हो गया कौन, ब्राह्मण। जिस कुल में जन्म तदनुकूल कर्म तो क्या हो गया, ब्राह्मण ब्राह्मण। जन्म तो ब्राह्मण में हुआ और सेना आदि में पुलिस आदि में क्षत्रिय ब्राह्मण, जन्म तो ब्राह्मण में कुल में हुआ और बस व्यापार करने लगे वैश्य ब्राह्मण, जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ लेकिन शूद्रोचित ढंग से जीविका अर्जित करने लगे शूद्र ब्राह्मण, समझ गए? दूसरी तो इससे जन्म नियंत्रित पूर्व कर्म नियंत्रित जन्म होता है, जन्म नियंत्रित कर्म होता है। एक बात याद कर लेना, पूर्व कर्म के फलस्वरूप जाति जन्म होता है, जन्म नियंत्रित फिर कर्म होता है, समझ गए? जन्म नियंत्रित कर्म होता है तो सोने में सुगंध हो गया। इसीलिए दूसरी बात है, और भी बहुत से प्रश्न किए जा सकते हैं, अपवाद का एक्सेप्शन का क्षेत्र ज्यादा भी हो तो लक्षण नहीं बदलता। कहाँ लिखा है, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध श्रीधरी टीका, क्या अपवाद ब्राह्मण का लक्षण नहीं भी दिखाई पड़ता हो तो भी सुन लीजिए,
अपवाद का क्षेत्र ज्यादा भी हो तो लक्षण में अंतर नहीं आता। विश्व में खारे पानी की संख्या अधिक है, मात्रा अधिक है, मीठे पानी, लेकिन जल का स्वाद क्या माना जाएगा लक्षण करते समय? और जो तप्त कुंड होते हैं उसके अब जल तो तप्त होता है, लेकिन जल को स्वभाव से शीतल ही माना जाएगा, मधुर ही माना जाएगा। अपवाद का क्षेत्र अधिक हो जाने पर भी नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता है। संसर्ग के कारण अच्छा जल का रंग श्वेत ही माना जाएगा, जैसे कालिंदी का जल, यमुना जल शुद्ध, तो यमुना जल कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा या नहीं? लेकिन वहां जा करके पानी लेके ऊपर उछाल लिया, नीला दिखेगा या सफेद? नीला क्यों दिखता है? वहां की बालुका, वहां की मिट्टी के संसर्ग से नीला दिखता है, लेकिन है वहां का जल भी। इसीलिए गांधी जी जन्म वर्ण आदि को शिथिल ताकि दृष्टि से देखते थे, लेकिन उनका भी एक ग्रंथ है, उन्होंने भी कहा कि कर्तव्य का निर्धारण किस आधार पर होगा? अच्छा, पुलिस ने अपराध किया, पुलिस होते हुए इसने रक्षा में सेंध मार दी, दंड का विधान कैसे होगा? अभी क्या दंड का विधान कैसे होगा? पुलिस होकर इसने डाका डाला, डाकुओं का साथ दिया, ब्राह्मण होकर किसने ऐसा काम किया, इसलिए अपराध की बात तो भी तभी चलती है, इसलिए जन्म से जाती है। यहाँ तक कि आज समाजी क्या कहते हैं, यही प्रजाकार समाजी हार जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि 8 साल ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ हो, बालक हो, 8 साल की आयु में उसका यज्ञों पवित्र करा दें। अब आज समाजी वर्ष क्या करना पड़ेगा, जिसके गले में 8 साल में जनेऊ डाल दिया जाए वो ब्राह्मण, उल्टा होगा ना, उद्देश्य विधेय हो जाएगा, विधेय उद्देश्य हो जाएगा, समझ गए? 11 साल की आयु में 36 बालक का यज्ञों पवित्र होना चाहिए, 11 से 22 तक 816। अब जिसके गले में 11 साल की अवस्था में जनेऊ डाल दिया गया उसको क्षत्रिय कहना पड़ना, क्षत्रिय तो पहले से सिद्ध है, समझ गए, क्षत्रिय पहले से है। 8 साल की आयु में, 11 साल की आयु में वैश्य पहले से है तो 12 साल की, नहीं तो उल्टा उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी। 12 साल की आयु में किसी के गले में जनेऊ डाल दो, हो गया वैश्य, ये सब नहीं। इसलिए कुलीनता फिर क्या, कुल परंपरा का ही लोप हो जाएगा, विवाह की प्रथा का भी लोप हो जाएगा, वर्ण संकर सब हो जाएंगे, कर्म संकर हो जाएंगे। इसलिए एक बात मैं कह देता हूँ आप अभी युवा को, जिनके यहाँ स्थिर वर्ण व्यवस्था नहीं है, परंपरा से जिनकी वर्ण व्यवस्था टूट गई सैकड़ों वर्ष पूर्व, कैसे टूट गई? शनकैष्ट क्रिया लोपात ब्राह्मण दर्शन भारत वर्ष नेपाल आदि सब को छोड़कर सुदूर चले गए, वहीं बस गए, यहाँ के ब्राह्मणों से आचार्यों से संपर्क टूट गया, वो म्लेच्छ हो गए। अब अंग्रेजों के यहाँ भी परंपरा से क्षत्रिय नहीं है कोई, लेकिन फिर भी वैकल्पिक ढंग से वो क्या करते हैं, इस पर ध्यान दो, वैकल्पिक ढंग से राजवंश तय कर लेते हैं। इंग्लैंड में हर कोई बादशाह नहीं हो सकता है ना, वैकल्प। अच्छा, ये जो जम्मा मस्जिद में हर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, अरब राज की परंपरा का मुसलमान होगा नमाज पढ़ेगा, जिनके यहाँ वर्ण व्यवस्था लुप्त हो गई उनके यहाँ भी व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए वैकल्पिक कुलीनता मान ली जाती है। शेख सैयद मुगल पठान ये सब होता है नहीं, अमुक वर्ण अमुक मुसलमानों में अमुक परंपरा का व्यक्ति, अमुक जगह अधिकृत है अमुक जगह नहीं अधिकृत है, जिनके यहाँ वैकल्पिक है वर्ण व्यवस्था नहीं है उनके यहाँ भी परंपरा सुरक्षित रखने के लिए एक वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था बना ली जाती है। अच्छा, आप देखो ये क्या है, उद्दंड है या नहीं? उद्दंड है। किस विश्वविद्यालय में इसको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार होने की संभावना हो तो टूटे फूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को कर लो? क्या टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दो, इसको कोई टूटने फूटने की चिंता होती है क्या? परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये गुरुदंड है, समझ गए? स्वभाव से इनमें क्या है, क्षत्रिय तो है या नहीं? सेना का काम अभियज्ञ भी करते हैं, स्वाहा अध्ययन भी करते हैं, वेद पाठ भी करते हैं,
चलने में तैरने में हजारों काम इसका उपयोग करते हैं। सामने वाले को मालूम है कि ये सेना है, सैनिक है, छत्री है, मतलब अवसर आने पर चांटे का, मुक्के का, मुष्टिका का रूप धारण कर सकता है, हाथ में रिवाल्वर भी पकड़ सकता है। इसी प्रकार ये तो जुकाम का बहाना ले लेकर भागते हैं सब सीमा से, समझ गए ना। अंग्रेज लोग के मूर्ख थे क्या? भारत में किनको सैनिक में रखते थे? सबको रखते थे क्या? देखिए हमारी वर्ण व्यवस्था के प्रति हमको अनास्था उत्पन्न कर दी, अपने यहाँ राजतंत्र पाल कर रखा है, और भारत में उनकी मिलिट्री के सामने आजकल के तो अनुशासन नहीं है। किस वर्ण के व्यक्ति को रखते थे? उनके यहाँ भी परंपरा से जिनमें क्षत्रियों से संस्कार होता था उन्हीं को रखते थे। और छोटी सी बात जो आप समझ सको, 7 पीढ़ी से